सुबह के बज रहे हैं 11। अभी फिलहाल हम लोग नहा के एकदम रेडी हो गए हैं, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, वहाँ पे मत्था टेकेंगे और फिर आगे का सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा से अब हम लोग जा रहे थे घर, और घर जाते हुए हमें मिला ये राम मंदिर, और हम खुद को रोक नहीं पाए मंदिर के अंदर जाने से, क्योंकि इतने अच्छे लोग भजन कर रहे थे, इतनी आवाज़ आ रही थी बाहर तक कि हमने सोचा नहीं अब तो थोड़ी सी लेट ही सही, लेकिन हम अब दर्शन करके ही घर जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करिए और सुनिए कितने अच्छे से ये लोग भजन कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग जाएंगे घर। तो मैं मम्मा और ये रही गगन, और हम लोग बस शालू का वेट कर रहे हैं, वो भी आ रही है, वो किसी काम से आगे गई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट और इसके बाद जाएंगे घर, क्योंकि टाइम हो चुका है। टाइम कितना हो गया? 12:15 हो चुके हैं, तो भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है। हमने सोचा घर जाएंगे फिर बनाओ पराठे वगैरह बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग सब थे और भैया भाभी घर पे हैं, उन्होंने कर लिया है नाश्ता, तो हम लोग यहाँ से नाश्ता करके फिर घर जाएंगे। भूख लग रही है बहुत, तो मम्मा को भी बहुत भूख लगी है, गगन को तो बहुत ज़्यादा लगी है, और मुझे भी लगी। फ्रेंड्स हमने ये दो डोसे मंगाए हैं, एक से वो लोग खा रही है, एक से मार मम्मा। ये हमने फिर एक प्लेट मंगाए हैं छोले भटूरे,
और फिर मीठे में हमने मंगवाई थी रस मलाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी फ्रेंड्स। मज़ा आ गया इसे तो खा के। स्नैक्स लिए हैं और वो देखा पार्सल और ये मिठाई ले ली है, बस अब हम जा रहे घर। और फ्रेंड्स आज का दिन इतना हेक्टिक पार हुआ है ना हमारा, देखिएगा इतना मैसी हो रखा है, क्योंकि हमें करनी थी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज और इतने थके हुए थे, फिर सोचा कि पहले चाय पी जाए उसके बाद ही कोई काम किया जाए, क्योंकि अगर आपकी मॉर्निंग लेट होती है ना तो पूरे दिन का हर एक काम शेड्यूल आपका पूरा लेट ही चलता है। ग्रॉसरी वगैरह सब ऑर्गेनाइज करते हुए हमें बहुत टाइम हो गया था, फिर हमने बना ली थी नूडल्स। और इसके बाद देखिए अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी बन रही है चाय, और चाय बनाने के बाद आर से हमने मंगवाई है चिली पनीर साथ में मोमोस, और ये हमारे बहुत फेवरेट चल रहे हैं आजकल। हमारे जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे एक नई शॉप खुली है और उनका टेस्ट हमें बहुत ही पसंद आ रहा है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली हम वहाँ से मंगवाते हैं। इसके बाद हमें जाना था बड़े भैया के घर, तो रस्ते में देखा है थोड़ी भीड़ लग रही थी, पुलिस भी थी, फिर हमें पता लगा कि ये जो लड़की खड़ी है बैग लेकर, इनका मोबाइल चोरी हो चुका है। एक्चुअली कॉल करते हुए ये जा रही थी रोड में और पीछे से स्कूटी में एक मेल और एक फीमेल आए और इनका फोन लेकर वो लोग आगे की ओर निकल गए। जब तक इन्हें समझ में आया इनके साथ हुआ क्या है, वो लोग बहुत दूर जा चुके थे। तो बस ये बहुत रो रही थी, हमें बहुत खराब भी लग रहा था इनके लिए, लेकिन जो इस तरह से दूसरों का चोरी करते हैं ये तो उनके लिए भी जस्टिस नहीं होगा, आगे जाके उनको भी कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए। कुछ लोग बहुत मुश्किल से एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। इसके बाद हम आ चुके हैं भाभी के घर और यहाँ पे इनके लैंडलॉर्ड ने रखी हुई है ये पेट डॉग, पेप्सी नाम है, आप लोगों को पता ही है, पहले ब्लॉग्स में आप लोग देख चुके हो। तो बस ये हम लोगों के साथ थोड़ा सा खेलने आई थी, देखिए किस तरह से ये विंडो में चढ़ती है। एक्चुअली ना यहाँ पे किचन है तो किचन में खाना वगैरह बनता है, तो इसे स्मेल आती है और ये इस तरह से देखती रहेगी खड़ी होके कि इसे भी कुछ खाने को मिले तो फिर ये खा ले। पेप्सी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हो गया था डिनर टाइम, और डिनर में भाभी ने बहुत ही टेस्टी इडली सांभर चटनी बनाया था, और ये एंजॉय करने के बाद हम आ गए अपने घर। और फ्रेंड्स बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमारे साथ यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।